मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर अब तक सिंधिया घराने का कब्जा रहा है। मध्य प्रदेश की गुना संसदीय क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहां पार्टी कोई भी हो जीतेगा वही जिसके नाम के पीछे सिंधिया लिखा होगा। सिंधिया घराने की राजनीतिक मैदान में उतर चुनाव लड़ने की शुरुआत भी गुना से ही हुई थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने जीवन का पहला चुनाव यहीं से लड़ा और जीत हासिल की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पांचवी बार चुनावी मैदान में हैं। सिंधिया के सामने भाजपा ने कभी उनके ही सांसद प्रतिनिधि रहे केपी यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की तरफ से केपी यादव की उम्मीदवारी को एक तरह से सिंधिया को वॉकओवर देना माना गया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया भाजपा मोदी के सहारे ही सिंधिया को उनके ही गढ़ में पटकनी देने की योजना बना रही है। भाजपा अपना पूरा चुनाव प्रचार फिर एक बार मोदी सरकार के नारे पर लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराज के नाम से पहचाने जाने वाले वर्तमान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने काम को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सिंधिया के सामने चुनौती केवल मोदी है। उनके अनुसार इस समय सिंधिया की स्थिति काफी मजबूत है और सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि इस बार उनकी जीत का मार्जिन क्या होगा। विशेषज्ञों के अनुसार भाजपा यहां पर सिर्फ मोदी के चेहरे के सहारे ही चुनावी मैदान में है। केपी यादव को मैदान में उतारकर सिंधिया के खिलाफ जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। पिछले चार लोकसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही जीत मिली है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भी बीजेपी इस लोकसभा सीट पर जीतने में नाकाम रही। भाजपा ने 2014 में सिंधिया को